हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आई होप आप सभी लोग होंगे मस्त और मैं भी बिल्कुल मस्त। और आज मैं जा रही हूँ आगरा ताजमहल देखने, क्योंकि मैं आज तक नहीं गई हूँ और मेरे ख्याल से आप में से भी बहुत सारे लोग नहीं गए होंगे। जो गए होंगे उन्हें काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने देखा है आज तक फ़ोटोज़ में। बट मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ आगरा और मैं जाऊंगी दिल्ली टू आगरा। आप लोग भी इंजॉय करिए मेरे साथ दिल्ली टू आगरा का ट्रिप। अब निकल चुके हैं हम लोग और अभी टाइम हो चुका है निकलते निकलते घर से 6 के अप्रॉक्स। फाइनली आगरा पहुंच चुकी हूं और अभी मैं हूं पार्किंग में। भाई यहां पर देखो बिल्कुल भरी हुई है पार्किंग, बहुत ज़्यादा बड़ी भयंकर वाली धूप है। एंड हम लोग आए हुए हैं सुहानी मी भाविया। काफ़ी तेज़ धूप है और अभी यहां गाड़ी पार्क करके जाना है आगे की ओर। सो पहले जाएंगे हम लोग आगरा किले पे, जो आगरा का किला है वो काफ़ी सुंदर है। सो चलिए लेके चलती हूँ आपको। सो गाइस, यहाँ से गाड़ी अंदर अलाउड नहीं है, यहाँ से हमें लेना पड़ेगा टुक टुक। सो पहले हम लोग लेंगे यहाँ से टुक टुक, उसके बाद पहुँचेंगे अंदर। सो गाइस, हम लोगों ने टुक टुक ले लिया, बहुत ज़्यादा धूप है तो हम लोगों ने पहन लिए गॉगल्स। तो अभी हम लोग जाएंगे पहले आगरा फोर्ट। फाइनली हम लोग आगरा फोर्ट पर पहुँच चुके हैं और किला काफ़ी सुंदर है भाई, देखो यहाँ से। देखिए आप लोग भी इस किले को, काफ़ी सुंदर सा है और काफ़ी अच्छा बना हुआ है। यहाँ से एंट्री है और भीड़ काफ़ी है आज, क्योंकि वीकेंड का टाइम है सैटरडे, तो काफ़ी भीड़ है और लोग जा रहे हैं। और यहाँ जो मेन गेट पे एंट्री है, यहाँ से हमें टिकट लेना होता है पहले। और टिकट का कॉस्ट इसका कितना है, टिकट 35 रुपीज़ का पर पर्सन है। और बाकी एंट्री पे ऐसा कोई इशू नहीं है, एंट्री सीधा आप ले सकते हैं वहाँ से टिकट लेके। और यहाँ से सीधे अंदर जाएंगे मेन गेट पर, और भाई वहाँ तो भीड़ है, वहाँ तो जाना पड़ेगा लाइन से। और हम लोग अभी यहाँ बाहर से हैं, लाइन लगी हुई आगे से, वेट कर रहे हैं कि हम लोगों का नंबर आए और हम लोग अंदर करेंगे एंट्री। सो यहाँ पर हो रहा है सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेक के बाद अंदर है एंट्री और एंट्री में भी लगना है यहाँ पर लाइन। और यहाँ पर एक बेस्ट चीज़ है, यहाँ पर जो है मैन एंड वुमेंस वाला जो पार्ट है वहाँ पर दोनों पर लाइन लगी हुई है, एक और मैन की एक और वुमेन की। तो मेंस वाली लाइन तो बहुत लंबी है भाई, वुमेंस में थोड़ा कम है। तो हम लोगों की एंट्री थोड़ा जल्दी हो गई है। एंट्री पे देखिए क्या मस्त सा है यहाँ पर। सिक्योरिटी चेक वो कंप्लीट होने के बाद अभी आगे फिर से है एक लंबी सी क्यू, जिसमें तो भाई पता नहीं कब नंबर आएगा। सो वेट कर रहे हैं अभी यहाँ पर, और लोग तो देखो भाई साइड से निकल जा रहे हैं चुपचाप से। इधर है टिकट चेकिंग का, टिकट चेक हो रहे हैं। सारे चेक्स, सिक्योरिटी चेक्स, टिकट चेक के बाद हम लोग पहुँचे हैं अंदर। और काफ़ी सुंदर सा है भाई यहाँ पर बैठने का भी। अभी हम लोग इधर एंट्री करके पहुँचे हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। मेरा खोपड़ा तो पूरा ना गर्मी से ऐसा गर्म हो गया है, बिल्कुल फटने को तैयार है। क्या करें, अंदर जाना है। और बाकी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे घूम रहे हैं और छोटे छोटे से बच्चे भी हैं। जाना है बहुत ऊपर, गर्मी से तो भाई हालत हो चुकी है थोड़ी ख़राब। चलते रहेंगे बट क्योंकि अभी तो हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं।
महल, ये काफी सुंदर सा है देखिए। बिल्कुल भी धूप नहीं है, हम लोग घुस चुके हैं जहांगीर महल में, बट बाहर जाके थोड़ा एक मिनट के बाद फिर से है धूप। यहाँ पर क्या क्या है, तो हिंदू धर्म को मानता नहीं, जितना भी सर कार्टून वगैरह दिख रहे हैं सारा ही राजस्थानी डिजाइन में, सारा हिंदू धर्म का डिजाइनिंग है। उससे मैं लाल पत्थर भरतपुर राजस्थान से आता हूँ, जो उस टाइम का ड्रेनेज सिस्टम है, आज भी वाटर ड्रेनेज उसके बाद यमुना रिवर जाता है। अब आगे दिखाएगा सर विदाउट कूलर विदाउट एसी मुगल टाइम में उनको कैसे ठंडा किया था, तो उस टाइम उसके बारे में आगे। अब हम लोग जा रहे हैं इसकी ओर अंदर फिर से, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए अंदर, बट थोड़ा डार्क है अंदर, ये तो क्लियर नहीं दिखेगा, फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को ये दिखाऊँ। देखिए काफ़ी सुंदर सा है, लेकिन एक बार ज़रूर विज़िट करिए यहाँ पर आगरा किला पे, काफ़ी अच्छा सा है। बट गर्मियों में तो भाई बहुत गर्मी है, अभी अप्रैल है, आगे तो बहुत गर्मी होगी, बट अभी यहाँ पर थोड़ा सही है। अंदर जो रूम्स थे वो काफ़ी सुंदर से और शांति वाले थे, और बाहर आकर यहाँ पर है काफ़ी खुला सा, और लोग यहाँ पर फोटोज क्लिक कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। पर एक मैजिक है जो कि ऊपर, ये यहाँ से बंद है, बट अंदर जाके दिखाऊंगी आपको मैं क्या है इसका सीन। चलो चलो अंदर, इधर अंदर, यहाँ से ऊपर है, और यहाँ से अगर एक रुपया डालो तो बाहर देखेगा, बट बाहर से वो बंद है ना मैजिक। सामने उधर दिख रहा है ताजमहल, तो ताजमहल में भी हम लोग जाएंगे, बट यहाँ से छोटे से इसके दर्शन कर लेते हैं बाकी, क्योंकि अभी अंदर यहाँ पर काफ़ी है घूमना। वो भाई इतनी कड़कती धूप लगी है ना, आंखें भी नहीं खुल रही हैं। अब जा रहे हैं हम लोग आगे की ओर, ये है शाहजहाँ का खास महल, तो आप लोग चलेंगे इसकी ओर, और आप लोग भी करिए इसके दर्शन, काफ़ी सुंदर सा है। सब लोग यहाँ से फोटोज क्लिक कर रहे हैं सामने ताजमहल का। ये है दीवाने खास, और भाई क्या सुंदर सा है, जो नाम है अपने नाम पे काफी सुंदर सा, साफ सुथरा सा, और इतना पुराना, अभी भी ऐसा लग रहा है कि नया नया बना हुआ है। और ये भाई यहाँ पर लगा हुआ है ताला, इसके अंदर हम नहीं देख सकते। और गाइस यहाँ पर देखो कितना छोटू सा ये घर है, इस पर पता नहीं क्या क्या होता हुआ इसमें से। So guys, हमने देख लिया है यहाँ पर सबके घर जो रहते थे पुराने टाइम पे,
काफ़ी सुंदर से घर है और अंदर कमरों में काफ़ी ठंड है, बाहर गर्मी है। ये है रूम्स जिनमें लगा हुआ है लॉक, इनमें होगा कुछ पक्का, तभी लॉक लगा हुआ है। इसका लॉक खुला है बट खुल नहीं रहा है, धक्का देके भी नहीं खुलेगा। लॉक अभी ये आगरा किला से हम लोग कर रहे हैं एग्जिट, क्योंकि अंदर घूम के भाई बहुत गर्मी है और घूम लिया हमने ऑलमोस्ट। अब जाएंगे सीधे एग्जिट की ओर और ताजमहल देखने। हम लोग पहुंच चुके हैं एग्जिट पे और यहाँ पर थके हारे पैसेंजर बैठे हुए हैं सब के सब। मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर एक तोप, चलिए मेरे साथ, तोप के पास जा रही हूँ मैं। भाई ये तो पूरी जगमग लग के खराब हो चुकी है, काफ़ी पुरानी है। और ये रही वो तो ढिचकियाँ हूँ सो इसको मैं दिखाऊंगी सामने से। ये है ब्रिटिश तोप। कुआ जिसका नाम है स्टेप फॉल और बावली दीवान आम, काफ़ी गहरा सा है भाई देखो। और ये अभी ऊपर से हुआ है कवर, अगर दिख रहा है आपको तो भाई नीचे यहाँ पे मिला है एक शुद्ध पेयजल, यहाँ पे पियेंगे थोड़ा पानी। लोग आ चुके हैं एग्जिट की ओर और भूख लग गई बहुत तेज की मुझे तो, सुहानी भूख लगी है? सुहानी को नहीं लगी है? मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है भाई, मुझे तो कहीं भी जाओ ना थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगी जाती है। अभी थोड़ी देर पहले खाया था और अभी फिर से भूख लगी है, तो हम लोग ताजमहल देखने से पहले खाएंगे कुछ देन जाएंगे ताजमहल में। ये है यहाँ का सुंदर सा अंगूरी बाग, काफ़ी लंबा एरिया है भाई ये। अब फाइनली हम लोग एग्जिट में पहुँचे हैं और धूप से थोड़ी राहत मिलते हुए हम लोग चल रहे हैं छाया में। आगरा किला का सफ़र हमारा हुआ है कंप्लीट और अब निकल चुके हैं हम लोग यहाँ से ताजमहल की ओर। तो गाइस आप बने रहिए, आप वीडियो को देखिए आगे तक।